तेजस्वी हैं, और ये अडानी अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं, जो देश को चलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी इसका नाम है। बी से होता है बड़का, जे से होता है झुट्टा, बी से होता है पार्टी। बड़का झुट्टा पार्टी वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वेलकम टू माई नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो। आज के इस ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोग को, हम यहाँ आए पटना गांधी मैदान, और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर आए हैं आरजेडी के नेता कुछ लोग। चलिए दिखाते हैं क्या वो लोग भाषण दे रहे हैं, बने रहिए इस ब्लॉग में। सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है, नतीजा आप जानते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि लालू जी को बोलना है। हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और हम बीजेपी को आरएसएस को यहाँ से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आज के महाराजे में बधाए हुए ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो तब सिपाही का बाहर निकल, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही फर्क का नीचे चले गए। हम देखते हैं कि टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख। कौन सा है मैं भाई, शर्म है ए भाई लालू बिना चालू की बिहार ना हो। इधर तो देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा है नीतीश कुमार। गांधी मैदान का आप लोग का दुकान देख करके, अरे कल बोला आ जाएगा नीतीश कुमार, और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा है। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को नष्टाबूत और भूल और मतदान केंद्र दरवाजा पर रखते थे, गरीब आवे नहीं, जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन सबको बुलाया, कोई संतान नहीं, तुमको होगा
से तुम्हारे पास परिवार नहीं है मोबाइल ला तो बनी है हम बोला ना राहुल गांधी का तुम हिंदू भी नहीं है तुम्हारी माता जी का जो बिहार के सिर लालू यादव अपने माँ के शोक में कहें गाड़ी बनवाता है क्या नहीं छिलवाया बताओ क्या नहीं छिलवाया मारा लाठी से लाठी दियो लालू यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव साथियों 8 बजे सुबह से न सिर्फ आपने गांधी मैदान भर दिया बल्कि दोनों तरफ एक एक हमारे साथी जो बिहार के कोने कोने से आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप जिंदाबाद रहिए पुलिस प्रशासन का मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक एक एक व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद रैली के समापन की घोषणा होती है आप हमेशा यूं ही जिंदाबाद रहिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 पानी छसम लगोल दूरबीन जैसे साले इतने चौंटे मारूंगा राहुल गांधी जिंदाबाद वो लोग आरोप लगाते हैं कि पहले यादव सुनिए ये वो अपने उनके दामाद को बोलिएगा कि अपने पास रखने के लिए ये ईडी सीबीआई जितने का लोग है भाजपा का दामाद है समझ लीजिए जब जब उनको लगता है कि हमारा शासन जाने वाला है हमारा सिंहासन डोलने वाला है तब तक अपने कुत्ते को भेज देता है मिलता क्या है मिलता क्या है देखिए ना पैसा तो उन लोगों के पास है जो 5-5 विधायक खरीद लिया जांच तो उस पर बैठना चाहिए क्या राजद ने भी किसी विधायक को खरीदने का काम किया है जनता जान चुकी है कि कायर कौन है दलाल कौन है जुमलाबाज कौन है ये बिहार की जनता इसका भली भांति जान चुकी है और कितना भी कुछ करिएगा ना
इस बार उखाड़ के फेंकने का काम ये हालत है देश की और वहाँ पर 2024 के बाद नीतीश कुमार तो अब ये देश से बाहर हो रहे हैं। मोदी जी उसको भागे जा रहा है। मजाक मोदी की मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। मोदी जी उसको देश से बाहर कर दिए। आप देखे नहीं है मोदी जी प्लेन में बैठा के बोले देश से बाहर हो जाए, बाहर हो गए बिहार में कहा। नीतीश कुमार तो अब देश में भी नहीं है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, हम आप लोगों के साथ धन्यवाद। सबसे बड़ा चोर है, ईवीएम को नहीं हटाना चाह रहा है। ईवीएम उसका बाप का खरीदा हुआ है, जो सोच रहा है। और यह अगर ईवीएम को हटाता है, भले से पर से चुनाव कराता है, इसका सरकार कहीं भी नजर नहीं आएगी। एक कंगड़िया आंगली के लिए नहीं हट पाएगी। ये सट पर चितांग होकर गिरेगी, इसको कोई उठाने वाला नहीं रहेगी। यह आरएसएस और ये अडानी अंबानी की गोद में बैठे हुए है, जो देश को चलाना नहीं चाहते है, क्योंकि बीजेपी इसका नाम है। बी से होता है बड़का, जे से होता है झुट्टा, पी से होता है पार्टी। बड़का झुट्टा पार्टी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वो है नरेंद्र दामोदर दास, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने आप तस्वीरें देख रहे हैं मैदान से, तमाम तस्वीरें यहाँ। जातियों का सम्मेलन कराया, सबको बुलाया। सो हे गाइस, जैसा कि आप लोग को हमने बताया कि हम आए थे यहाँ गांधी मैदान में, आरजेडी का सब नेता आया था यहाँ पर, लालू तेजस्वी तेज प्रताप आदि सब आए थे, दिखे ही होंगे आप लोग। तो चलिए, अभी तो फोन डिस्चार्ज होने वाला है, 3% मास्क चार्ज बचा है और हो गया बारिश, जिसके कारण सब मोए मोए हो गया। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ ही गए हैं गांधी मैदान, तो कुछ दिखाई देते हैं, तो बस बने रहिए ब्लॉग्स में। तो फाइनली गाइस, ये सब देख सकते हैं कि नेता लोग को चले जाने के बाद की कैसी स्थिति हुई है। नेता को देखने के लिए सब देख रहे हैं, कुर्सी वर्सी सारे सब टूट चुके हैं, और ऐसा ही होता ही रहता है क्योंकि ये अपना बिहार है। ये पार्क की स्थिति देख रहे हैं, कुछ लोग छुछुंदर रहते हैं ना बिहार में, बिहार में छुछुंदरों की कमी नहीं है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं गांधी स्मारक। तो गाइस रुकिए, पास चल के आप लोग को दिखाते हैं।
एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए मेरे पीछे जो ये है गांधी जी की मूर्ति है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये रहा गांधी जी का पटना में सबसे बड़ा मूर्ति जो है ना यहीं पर लगा हुआ है। चलिए इसके आसपास के नज़ारों को आप लोग को हम दिखा देते हैं। ये रहा यहाँ का कुछ इस तरह से नज़ारा और सामने वहाँ देख सकते हैं ये रहा विश्वमान भवन, वो विश्वमान भवन है। और ये देख सकते हैं यहाँ का ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो फोन है अब डिस्चार्ज होने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग से आप लोग को अच्छा लगा होगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।